सोलन में एनएसयूआई सोलन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता एनएसयूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार स्थान ने की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के युवा छात्रों को जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए, जिसके चलते प्रदेश के छात्र और छात्राएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सोलन में एनएसयूआई सोलन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता एनएसयूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार स्थान ने की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के युवा छात्रों को जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए, जिसके चलते प्रदेश के छात्र और छात्राएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया है। एनएसक्यूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार स्थान ने कहा कि कॉलेज में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थी लाचार शिक्षा प्रणाली की वजह से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में से 22,000 विद्यार्थी फेल हो गए थे, जिसका मुख्य कारण पेपर की जांच में लापरवाही से काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फेल हुए विद्यार्थियों को रीअपियर करने का मौका दिया था, जिसका परिणाम जनवरी में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका परिणाम नहीं आया है। कुछ दिनों बाद द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी। ऐसे में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि वे प्रथम वर्ष में दाखिला ले या द्वितीय वर्ष में, जिसके चलते उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल कर